देखिए देवाचा न्याय काय असतो, आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो, जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है, डरा धमका कर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है, वो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है, मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हारे, आप रामेश्वरम में हारे, आप रामटेक में हारे, जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है, वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। देखिए देवाचा न्याय काय असतो, आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो, जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है, डरा धमका कर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है, वो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है, मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हारे, आप रामेश्वरम में हारे, आप रामटेक में हारे, जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है, वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा।